स्टार्ट। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। हम लोग दिन भर में जितने काम करते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा, कुछ के प्रति तो हम बहुत असावधान रहते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो होते ही रहते हैं। काम तो करते हैं, असावधान है तो बर्तन गिर जाएगा, हाथ से मोबाइल गिर जाएगा, खुद को ठोकर लग जाएगी, यह असावधानी के काम है। दूसरा है, हो रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं रहता और हम इतना काम करते हैं पर हमको ये मालूम नहीं है कि इस काम के या ये जो काम है इनके परिणाम शरीर पर पड़ते हैं और बहुत अधिक काम करने के बाद जब आप विश्राम करें तो सबसे ज्यादा लाभ शरीर को ही मिलता है। तो आप जो काम करते हैं उसका परिणाम शरीर पे गया, ये पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति आई कि कुछ काम हम ऐसे भी करते हैं जो अपना परिणाम आत्मा तक पहुंचाते हैं, ऐसे भी कर्म है, कथा, सत्संग, पूजा पाठ। जब इस कर्म को हम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा को तृप्ति मिली, अच्छा लगा। तो ये दूसरी श्रेणी का काम हुआ जिसका असर हमको आत्मा तक महसूस हुआ। लेकिन शरीर और आत्मा के अलावा यहां जो परिणाम मिलता, इसके अलावा हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका परिणाम, जिसका संबंध मन से है, अंग्रेजी में माइंड कहा है। तो हमारे कर्म का एक परिणाम पहुंचा शरीर में, दूसरा पहुंचा आत्मा में और तीसरा है मन से, और वो कर्म है सांस लेना। सांस लेना भी एक कर्म है, सहज कर्म है बिल्कुल। हम ध्यान न भी दें तो भी हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना चलता ही रहता है। अधिकांश लोगों को तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि सांस ली भी जा रही है, सांस छोड़ी भी जा रही है। ज्यादातर दिन भर आप वॉच करना, और ये तो इसमें कोई बाधा आ जाए तब जरूर ध्यान आता है कि हम सांस ले रहे थे और लेती हुई सांस अब नहीं ले पा रहे, तो ध्यान आएगा। पर यदि बाधा नहीं आई तो आदमी को पता भी नहीं लगता कि हम सांस ले रहे हैं। और आप सांस के मामले में होश पूर्व रहे या न रहे, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है हमारा मन, क्योंकि मन की जो डाइट है वो है थॉट, विचार, और वो खाता है सांस से। तो मन को अपना भोजन विचारों के माध्यम से मिलता है, और चूंकि हम इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि सांस अपने आप चल रही है, इसलिए हम सारे काम शरीर से निपटाते चले जा रहे हैं, सांस अपना काम कर रही है, सांस के मामले में हमें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं।